कर मैं अभिषेक राज। आज हम बात करेंगे काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU के बारे में, जहां पे नोटिफिकेशन जारी किया गया ITI और डिप्लोमा ग्रेजुएट सभी तरह के क्वालिफिकेशन के बारे में। यहां पर मल्टी नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी यहां पर नोटिस जारी किया गया है बहुत सारे, तो इसमें हम अच्छे से बात करेंगे। लेकिन बता दें आपको कि मेन ITI के बारे में हम बताएंगे। बहुत सारे नोटिफिकेशन में क्वालिफिकेशन मांग रखा है, लेकिन हम ITI के बारे में बता देते हैं कि इसमें अच्छा खासा पोस्ट है, एक्सपीरियंस बेस्ड भी है, नॉन एक्सपीरियंस वाला भी है, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पेज पाने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में www.bhu.ac.in डालेंगे तो ये पेज खुलेगा। इस पेज पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए रिक्रूटमेंट दे रखा था, इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर पेज आपको दिखेगा रिक्रूटमेंट, इसमें ये वाला पर क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलेगा। यहाँ पर आएंगे तो आपको देखिए यहाँ पर टीचर पोस्टिंग पोजीशन और नॉन टीचिंग पोजीशन, तो नॉन टीचिंग पोजीशन में हम चेक करेंगे तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2018-19 है, इस पर हम क्लिक करके नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए हम देख सकते हैं। इसी में ITI के लिए सीट जारी किया गया, तो इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ से और प्रोसेस और पेमेंट का जो प्रोसेस है ऑनलाइन, इसको यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए बता दें कि यहाँ से क्लिक हेयर टू अप्लाई, यहाँ पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसका जो नोटिफिकेशन है इस पर क्लिक करके हम इसे डाउनलोड करते हैं और डिटेल्स में जानते हैं कि किस तरह से इसमें अप्लाई करेंगे, कौन कौन से पोस्ट हैं। तो ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है, आप देख रहे होंगे एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2018-19 है और ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के तरफ से जारी किया गया है। इसमें डेट बता दें आपको कि लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लीकेशन अप्लाई करने का 16 फरवरी है और इसमें फ़ी पेमेंट करने का लास्ट डेट है 28 फरवरी और लास्ट डेट अप्लीकेशन फ्रॉम PDF डाउनलोड करने का 20 फरवरी है, तो आप इससे पहले इसमें अप्लाई करना होगा आपको। तो बहुत सारे पोस्ट है, पोस्ट कोड है, पोस्ट ग्रुप है, लेवल दिया हुआ है, तो हम चलिए तेजी से हम चलते हैं ITI जो क्वालिफिकेशन मांगा है वहाँ पे और सारे के बारे में डिटेल्स में थोड़ा सा हम बोलते चलेंगे। यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल है, ट्यूटर इसके बाद मेडिकल ऑफिसर है और नीचे आएंगे तो मेंटेनेंस इंजीनियर भी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेंटेनेंस इंजीनियर, प्रोग्रामर, असिस्टेंट टीचर, इसके बाद ये टीचर का है जो टीचर है हिंदी संस्कृत इत्यादि का, म्यूजिक टीचर, वेद का है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, इस सब में जो टेक्निकल वाला है ना इलेक्ट्रिकल करके है, इलेक्ट्रिकल और इस सब में आप अप्लाई करेंगे। नीचे दे रखा होगा, इसमें डिटेल्स में देगा नीचे क्वालिफिकेशन में। लेबोरेटरी अटेंडेंट है, इसमें भी आपका ITI क्या है तो वर्कशॉप देखिए यहाँ पर है वर्कशॉप अटेंडेंट, इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट कम अटेंडेंस, टेक्निकल अटेंडेंट के लिए भी है यहाँ पे वर्कशॉप असिस्टेंट के लिए, लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए, वर्कशॉप अटेंडेंट के लिए भी है। इधर बहुत सारा जो पोस्ट है जिसमें ITI मांग रखा है, तो आप ITI वाले इसमें अप्लाई करेंगे। तो चलिए सबसे नीचे चलते हैं जहाँ पे क्वालिफिकेशन दे रखा है, क्वालिफिकेशन को देख कर समझते हैं हम इसे। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि बहुत बड़ा है, इसीलिए थोड़ा निकालने में टाइम लग रहा है इसे, लेकिन आपको हम बताते हैं क्वालिफिकेशन की बात करें। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल देखिए डिप्लोमा वाले यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जो डिग्री और डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें असिस्टेंट इंजीनियर में सिविल वाले भी अप्लाई करेंगे और यहाँ पर जो सिविल डिप्लोमा में रिलेवेंट फील्ड जैसे कि सिविल इंजीनियर, इसमें सिविल वाले अप्लाई करेंगे। और चलिए अब आ रहा है ITI के भी इस दिखेगा इसमें, और इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड के लिए जो 10वीं पास है वो लोग इसमें अप्लाई करेंगे सिक्योरिटी गार्ड में। और इसके बाद हम देखिए ITI आ गया जनरेटर ऑपरेटर के लिए, देखिए हाई स्कूल है, ITI है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जनरेटर ऑपरेटर, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, इसमें अप्लाई कर पाएगा। इसके बाद और आगे चलते हैं, बहुत सारे जगह ITI का इसमें पोस्ट मांग रखा है, आप जल्दीबाजी में हमें दिख नहीं रहा है, थोड़ा वीडियो डिले हो रहा है, इसलिए आप इसे अच्छे से देखिएगा आपको मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे है पोस्ट कोड जो है 4329 में है लिफ्ट ऑपरेटर के लिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ट्रेड वाले अप्लाई करेंगे।
इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रीसियन है वो, वायरमैन, मैकेनिकल ट्रेड, फिटर, टर्नर, ये इत्यादि इसमें अप्लाई करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत जगह है जहाँ पे आईटीआई का क्वालिफिकेशन मांग रखा है। देखिए यहाँ पे है 44-52 में भी दे रखा है कि यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और आईटीआई चाहिए, तो इसमें आईटीआई वाले अप्लाई कर पाएंगे। और इसके बाद आगे चलते हैं, और भी बहुत जगह है, देखिए यहाँ पे भी आईटीआई मांग रखा है जो 44-68 गैस अटेंडेंट के लिए, तो इसमें भी आईटीआई यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आईटीआई लिखा हुआ है, तो आईटीआई क्वालिफिकेशन इसमें भी चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए साथ में, किसी किसी में नहीं है और किसी में एक्सपीरियंस भी मांग रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने पोस्ट के अनुसार अप्लाई करना होगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पे भी है 44-80 में लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए यहाँ आईटीआई चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और मतलब इसमें भी आईटीआई वाले, डिप्लोमा वाले, सिविल आर्किटेक्चर वाले इसमें अप्लाई करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे भी 44-89 में इसमें भी डिप्लोमा और आईटीआई मांग रखा है, जिसमें एयर कंडीशनिंग के लिए है यहाँ पे। और इसके बाद ये डिप्लोमा है, यहाँ भी डिप्लोमा इन लेबोरेटरी लाइफ साइंस से अगर डिप्लोमा किए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, इत्यादि जो पोस्ट है इसमें डिप्लोमा वाले अप्लाई करेंगे, और आईटीआई वाले इसमें भी पोस्ट दिखा रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारा है जिसमें जो आपके क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा, क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग इसमें दे रखा है। ऑनलाइन पर फॉर्म अप्लाई करना है इसमें, ऑनलाइन के थ्रू आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा, और इसको आप रीड कर लीजिए, जो डेट है डेट के अनुसार आपको उससे पहले आपको अप्लाई करना होगा। और इसके बाद द डाउनलोड एप्लीकेशन फ्रॉम अलोंग विद द इनक्लोजर इन द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट असिस्टेंट सेल होलकर हाउस BHU बनारसी 22-1005 UP बिफोर 23-2019। आपको 23 फरवरी से पहले आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म उसको डाउनलोड करके भेजना है, तो आप लोग अप्लाई कीजिएगा, उसको डाउनलोड कीजिएगा और इस पते पे आपको भेज देना है 23-2019 से पहले। तो चलिए आज के लिए इतना था, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए डिटेल्स में मैं नहीं बताया, केवल पोस्ट के बारे में बता दिया हूँ, तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे जहाँ से डायरेक्टली आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। चलिए आज के लिए इतना था, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे आपसे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।